पीतांबरालंकृतम् श्यामंगम द्विभुजं प्रसन्नवदनम् श्री सीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरम् प्रियगणे भ्रातादिविभावितम् वंदे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्ट सिद्धि प्रदम् नीलांबुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोह पितवान भागम् पाणौ महासायक सारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान श्री राम जो अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी हैं, संरक्षक हैं, निर्माता हैं, आधार हैं, अधिष्ठान हैं, संसार के सब जो जीव हैं उनके एकमात्र नाथ हैं, उन्हीं को ईश्वर कह लो, परमेश्वर कह लो, ब्रह्म कह लो, सच्चिदानंद कह लो, आत्मा कह लो, बस वे ही सभी में समाये हुए हैं। ऐसे भगवान अपनी योग माया भगवती सीता के माध्यम से इस जगत का संचालन, नियमन, संधारण, निर्माण और पुनर्निर्माण, प्रलय के बात करते हैं। कर्ता न होकर भी अकर्ता है और अकर्ता न होकर भी कर्ता है। जानने में नहीं आते लेकिन जाने जा सकते हैं। बहुत आश्चर्यजनक तत्व है ये सच्चिदानंद परमात्मा। आज हम उन्हीं के परम पावन गुणानुवाद को अयोध्या कांड के 111वें सर्ग का एकादशाधिकम शततम सर्ग ये ले रहे हैं। वशिष्ठ जी के समझाने पर जब भगवान राम पिता की आज्ञा से विरत नहीं होते, अलग नहीं होते, तो फिर भरत के पास आखिरी उपाय रह जाता है। वो भगवान को मनाने के लिए एक स्थान पर बैठने की तैयारी कर लेते हैं, जिसे आधुनिक काल में धरना बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो भगवान श्री राम भरत को समझा कर प्यार से अयोध्या लौटने की आज्ञा देते हैं। यही इस सर्ग का विषय है। वसिष्ठः सः तदा राममुक्त्वा राजपुरोहिता अब्रवीद धर्म संयुक्तं पुनरेवा परं वचः। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से एक और धर्मयुक्त बात कही। पुरस्येह जातस्य
भवन्ति गुरवः सदा। आश्चर्यस्येव काकुत्स्थ पिता माता च राघव। रघुनंदन ककुत्स कुलभूषण इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष को सदा पुरुष के सदा तीन गुरु होते हैं। एक आचार्य होता है, एक पिता होता है और माता होती है। तीन गुरु होते हैं। पिता हेनम जनयति पुरुषम पुरुषर्षभ प्रजां ददाति चाचार्यस्तस्मात् स गुरुरुच्यते। पुरुष प्रवर श्री राम पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है। और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए गुरु कहलाता है। सतेहं पितुराचार्यस्त्व चैव परन्तप ममत्वं वचनं कुर्वन् नातिवर्ते सतां गतिं। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूं। तुम्हारे पिता का भी आचार्य और मैं तुम्हारा भी आचार्य हूं। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं माने जाओगे। यानी तुम इस बात की आड़ ले लोगे कि पिता के आचार्य, पिता के गुरु और मेरे गुरु ने आज्ञा दी, इसलिए ये मेरी जो आज्ञा के अनुसार तुम अयोध्या लौट कर चलोगे तो तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। दुनिया यही कहेगी कि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से वन से लौटना स्वीकार किया। इमाहिते परिषदो ज्ञातवश्च नृपास्तथा एषु ताम चरण धर्म नातिवर्त नातिवर्ते सताम गतिम। तात्ये तुम्हारे सभासद हैं, तात्ये तुम्हारे बंधु बांधव हैं, तात्ये तुम्हारे समस्त राजा जो पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल वर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होता। इनका जो सबका जो मत है उस मत को तुम मानोगे तो ये धर्मानुकूल व्यवहार होगा और तुम्हारे सन्मार्ग का जो सत मार्ग पे तुम चल रहे हो उसका उल्लंघन नहीं होगा। वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्य वर्तितुम् अस्या हि वचनं कुर्वन् नातिवर्ते सतां गतिम्। कभी अपनी धर्म परायण बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानं नातिवर्ते स्वं सत्य धर्म पराक्रम। सत्य धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने की और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। भरत तुम्हें अपना आत्मस्वरूप ही जानते हैं।
उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे, क्योंकि लोग ये जानेंगे कि नहीं भाई अपने भाई को लौटा के ले के आ गया। पिता ने वनवास दिया था लेकिन भाई अपने भाई को वन से लौटा लाए। होता है कभी परिवार में लोग किसी कारण से बिछुड़ जाते हैं तो भाई बंद जाके उनको फिर दोबारा ले आते हैं, तो इससे कोई धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। एवं मधुर मुक्त स गुरुना राघव स्वयं प्रत्युवाच समासीनम वशिष्ठम पुरुषर्षभ। गुरु वशिष्ठ के सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार प्रभाव युक्त ढंग से भगवान ने जब ये वचन सुने, गुरु वशिष्ठ के सुमधुर वचन इस प्रकार से जब सुने भगवान ने, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को यूं उत्तर दिया, भाई आप मानो या ना मानो, भगवान जो है वो तो सारे गुरुओं का मूल है। गुरु कहाँ आएंगे, अगर भगवान नहीं हुए तो गुरु का क्या महत्व। जो गुरु अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझ ले, समझो कि वो गुरु नहीं है, वो अगुरु है, अहंकारी है वो। क्योंकि भगवान की जो मौजूदगी है अंदर, तभी तो गुरुत्व आया है। भगवान नहीं तो गुरुत्व कैसे आएगा। तो भगवान तो वहां साक्षात राम के रूप में थे, बैठे थे। उन्होंने उत्तर दिया, एक बार बोलना पड़ेगा, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। यन्माता पितरौ व्रतम तनये कुरुतः सदा न सुप्रतिकरं तत तु मात्रा पित्रा च यत कृतम् यथा शक्ति प्रदानेन स्वापन्नोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछोने पर सुलाने, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी मीठी बातें बोलने, पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही चुकाया नहीं जा सकता। सही राजा दशरथ पिता जनयिता मम आज्ञापयन् माम यत तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वो मिथ्या नहीं होगी, वो झूठी नहीं करूंगा। एव मुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् उवाच विपुलो रसिकः सूतं परम दुर्मना। श्री राम जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। भी पास ही बैठे हुए सूत सुमंत से बोले, क्या बोले वो, इहं तु श्लन इहं तु स्थंडिले शीघ्रम कुशानांतर सारथे आर्यम प्रत्युपवेक्ष्यामि आर्यम प्रत्युपवेक्ष्यामि
यावन्मे संप्रसीदति निराहारो निरालोको धनहीनो तथा द्विजः शये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां प्रतियास्यति। सार्थे आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा, जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। देखिए इसको धरना बोलते, इसको बोलते हैं धरना। और आजकल के लोग धरना कैसे कर रहे हैं ये तो आप देखते हो। आजकल के लोग धरने के साथ में और अच्छा खाना, अच्छे पीना, अरे ऐश आराम, मालिश वेलिश है ना, और फाइव स्टार सुविधा, और इसके बाद में भी हिंसा, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़े, इस तरह का धरना करते हैं। लेकिन हमारे उस समय जो धरना था वो ऐसा था कि चुपचाप से मुंह ढक के लेटे रहते थे, ना खाते थे कुछ, ना पीते थे, इसको तो धरना बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण ने आपको धरना की परिभाषा भी समझा दी। आप कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आजकल जो धरना एक हथियार है प्रजातंत्र में, ये हथियार वाल्मीकि रामायण के समय भी 21 लाख वर्ष पहले था। तुमने कोई नई चीज नहीं खोजी है, जिसको तुम बहुत सम्मान करते हो उस व्यक्ति ने भी कोई नई चीज नहीं खोजी थी। वाल्मीकि रामायण में पहले से लिखा हुआ है 13वां और 14वां श्लोक अयोध्या कांड के 111वें अध्याय में, सर्ग में। सतुराम वेक्षन्तम् सुमंत्रम प्रेक्षि दुर्मनः कुशोत्तर मुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयं। यह सुनकर सुमंत श्री राम जी का मुख ताकने लगे, भगवान की तरफ देखने लगे, क्योंकि अभी तो बड़े वो ही हैं, आज्ञा तो वही दे सकते हैं। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ, वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछा कर जमीन पर बैठ गए। तमुवाच महातेजा रामौ राजसि सत्तमः किं मां भरत कुर्वाणम् तात प्रत्युपवेक्षसे। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो तुम मेरे आगे धरना दोगे? मैं तुम्हारी क्या गलत है जो धरना दोगे? ब्राह्मणो हे कपाश्वेन नरान रौद्रु मिहारहति न तु मूर्धा विशिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने। ब्राह्मण एक करवट लेकर सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, एक करवट, दूसरी करवट भी नहीं बदलेगा वो, परंतु राजतिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रिय के लिए इस प्रकार से धरना देने का कोई विधान नहीं है। ये तो ब्राह्मण कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। पहले धरना भी केवल ब्राह्मण ही दे सकता था, क्योंकि उसको ज्ञान था धरना कैसे देना, उसमें जिद नहीं आती थी, उसमें अहंकार नहीं आता था, उसमें मलिनता नहीं आती थी। अब ऐसा नहीं है, धरने में जिद है, मलिनता है, अहंकार है, हिंसा है, पाप है, झूठ है, कपट है, पाखंड है, छल है, सब है। लेकिन पहले धरने में वैसा नहीं होता, धरने का नाम बदनाम कर रहे ये लोग, आज के लोग। उत्तिष्ठ नर शार्दूल हितवयति दारुणम व्रतम पुरवर्यामितः क्षिप्रम अयोध्याम याहि राघव। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहां से शीघ्र अयोध्यापुरी को जाओ।
आसीन स्तवेन भरतः पौरजान पदम जनम उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्य नानुशासथ। यह सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सबोर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं? आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं? ते तदो चुर्महात्मानं पौरजानपदाजनः काकुस्थं विजानीमः सम्यग् वदति राघव। तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं काकुत्स से राम जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ही ठीक ही कहते हैं। एषो अपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति अत एव न संक्षक्तास्मो व्यावर्तयितु मञ्जसा। परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही है, अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में समर्थ हैं असमर्थ हैं, क्योंकि ये धर्म पर चल रहे हैं, अपने पिता की आज्ञा में दृढ़ है। तेषाम आज्ञाय वचनम रामो वचनम ब्रवीत एवं निबोध वचनम सुहदाम धर्म चक्षुषाम। उन पूर्वासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत धर्म पर दृष्टि रखने वाले अपने इन पूर्वासियों अपने इन हृदय के निकट लोगों के कथन को सुनो और समझो। देखो कितनी अच्छी बात, अगर भरत राज्य ग्रहण कर लेते तो नगर वाले यही कहते कि केकई ने देखो षड्यंत्र करा, भरत ने राज के लिए सब कुछ किया होगा, और भरत भगवान को लेने आए और पूरी ईमानदारी सच्चाई और हृदय की गहराई से, ऐसा नहीं कि कोई नाटक कर रहे। आजकल क्या होता है, आप किसी को कुछ पैसे दो, रेंदो ऐसा कहता और जेब में रख लेता है। तो राज्य तो बहुत बड़ी चीज होती है, अरे जब तुम्हारी लेने की इच्छा नहीं है तो ले क्यों रहे हो ना, किसी भी कीमत में मत लो। ऐसे भरत जो है किसी कीमत पर राज्य नहीं लेना चाहते थे। अब भरत ने जो सहज ही अपना भगवान के प्रति प्रेम और कर्तव्य जो निभाया, उसको देख के जो नगर के लोग थे उनके हृदय में भरत के प्रति बड़ा सम्मान हुआ। अरे भाई ये तो बहुत राम से भी आगे गजब का आदमी, ये तो राज्य को तृण के समान त्याग के अपने भाई को दे रहे हैं और अन्य विनय कर रहे हैं, भाई को लौटा के लाने के लिए ईमानदारी से कर रहे हैं। तो जो लोग थे, देखने वाले लोग थे, उनके हृदय में भरत के प्रति बहुत सम्मान हो गया। और जब बहुत सम्मान हो गया तो समझो कि जिसका प्रजा सम्मान करती है, जिसको प्रजा प्रेम करती है, राजा तो वही ठीक होता है। जिसको प्रजा प्रेम नहीं करती वो राजा तो किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन दुष्ट जिसको प्रेम नहीं करते उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। क्यों, वो समय अच्छा था, वहां प्रजा अच्छी थी। वास्तव में राम के राज्य में अगर प्रजातंत्र होता, राजतंत्र की जगह, तो वो भी सफल हो जाता। लेकिन आज के समय में न तो प्रजातंत्र सफल है और न राजतंत्र सफल हो सकता, क्योंकि प्रजातंत्र तो ऐसे सफल नहीं है कि यहाँ विषम बुद्धि के लोग जिनको राष्ट्र की कोई चिंता ही नहीं, समाज की कोई चिंता ही नहीं है, एक जानवर वृत्ति के जो लोग हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं, ना उसको समाज के हित में तुलना करके देखते, ना उसको राष्ट्र के हित में तुलना करके देखते, केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, अधिकारों की झूठी लड़ाई लड़ते हैं और उनको समाज देश राष्ट्र किसी से चिंता नहीं। राष्ट्र का कितना भी नुकसान हो जाए उनको चिंता नहीं, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए लेकिन धरना आंदोलन हिंसा सब कुछ करेंगे वो। तो ये जो अपने पूर्ववासी हैं, ये अपने सुहद हैं, ये लोग जो हैं कितना सही बोल रहे हैं, इनकी बात पर आप ध्यान दो।
और एतच्चेवो भयं श्रुत्वा सम्यक् सम्पश्य राघव उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश तथोदकम्। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उस पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब शीघ्र उठो और मेरा और जल का स्पर्श करो। अथोत्थाय जलम स्पृश्वा अथोत्थाय जलम स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यम ब्रवीत शुणवन्तु मे परिषदो मंत्रिण शुणुयोस्तथा। न याचे पितरं राज्यम् नानुशासामि मातरम् एवं परमधर्मज्ञम् नानुजानामि मे राघवम् एवं परमधर्मज्ञम् नानु जानामि राघवम्। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम का जल का राम और जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री लोग सब सुने, ना तो मैं पिताजी से मैंने राज्य मांगा था, ना माता से ही कभी मैंने इस विषय में कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री राम जी के वनवास में भी मेरी कोई भी सम्मति नहीं है, मेरी स्वीकृति नहीं है। यदि त्वस्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश वने समः। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है तो इसके बदले में मैं ही 14 वर्षों तक वन का निवास करूंगा। अब भगवान की जगह मैं ही रहूंगा, राम जी की जगह मैं रहूंगा 14 वर्ष वनवास। धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः संप्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम्। भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पुरवासी तथा राज्य निवासी लोगों की देख की ओर देख कर ये कहा, विक्रीतमाहितं क्रीतं यत पित्रा जीवता मम न तल्लोपयितं शक्यं मया वा भरतेन वा। पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। उपार्धीर्ण मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः उपमुक्तम च केकय्या पित्रा मे सुकतम कृतम्। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना कोई लोक में निंदित है। वनवास के लिए कोई मेरा प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि मैं समर्थ हूं और मेरे समर्थ रहते हुए और प्रतिनिधि जो अगर मैं लूंगा तो लोक में निंदा होगी। केकई, तो ये जो है ना केकई ने जो
उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। जानामि भरतम शांतम गुरु सत्कार कारिणम सर्वमेवात्र कल्याणम सत्य संघे महात्मनि। मैं जानता हूं भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। मुझे पता है कि भरत जो हैं बहुत क्षमाशील हैं और गुरुजनों का सम्मान करते हैं और सत्य प्रतिज्ञा जो कह देते हैं वो सत्य होता है, सत्य पर चलने वाले हैं और महात्मा हैं और इनके अंदर सारे कल्याणकारी गुण हैं। अनेन धर्मशीलेन बनात प्रत्यगतः पुनः भ्राता सह भविष्यामि पृथ्वीव्यापतिरुत्तमः। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा तब अपने इस धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। भगवान ने इतना तो आश्वासन दे दिया कि राज्य दिया चलो ठीक है, लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं 14 वर्ष बाद जब लौटूंगा तो राजा हो जाऊंगा, राज्याभिषेक करा लूंगा। इतनी बात भगवान ने कह दी, यही बड़ी बात थी क्योंकि कैकेयी के तो वरदान में भरत का राजा होना और राम का 14 वर्ष का वनवास था और उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं था कि वन से लौटने के बाद वो राजा होंगे, लेकिन भगवान ने इतनी बात मान ली। बहुत मैं कहता हूं कि भरत के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो गई। भगवान अगर कह देते कि नहीं अब तो राज्य तुम्हारा ही होगा, मैं नहीं राज्य लूंगा, तो बड़ा भरत तो प्राण ही नहीं बचा पाते फिर तुम। व्रत तो राजा ही के कैया मया तद वचनम कृतम अनतान मोचयानेन पितरम तम मही पतिम। केकई ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया, अतः भरत अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो, यानी जाओ और पिता के वचन का पालन करो। आज श्रोताओं से मैं क्षमा मांगता हूं, बीच में मुझे उठना पड़ा इसलिए क्योंकि जो सत्य स्वरूप ज्ञानी होते हैं उनके पास मदद करने वाले बहुत कम होते हैं, जो लोग असत्य पर चलते हैं उनके पास भीड़ बहुत होती है। तो मेरे छोटे मोटे कोई काम होते हैं तो मैं फिर जो इस तरह से मुझे ही देखना पड़ता है। तो भगवान के श्री चरणों में आज की जो कथा है वो समर्पित करते हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती आपकी कृपा बनी रहे और इसी तरह से आपकी जो ये वचन के द्वारा कथा की जो सेवा है मेरे द्वारा होती रहे और मेरे जिज्ञासु जो हैं मेरे शिष्य हैं अगर मुझे जिज्ञासु मिलते रहेंगे मैं उनको आत्मज्ञान कराता रहूँगा, भगवान का साक्षात्कार कराता रहूँगा, तब तक ही मैं शरीर को धारण करूंगा और मेरे जिज्ञासु जो हैं वो उनको सबका काम हो जाएगा, गिने चुने जिज्ञासु मेरे शिष्य हैं काम हो जाएगा तो फिर तो जाना होगा क्योंकि फिर इस धरती पे अपना कोई काम बचने वाला है नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है इस कथा के माध्यम से यदि कोई परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता हो, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है और मैं उसकी मदद करूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकादशाधिक शततम सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम।